भाई ये वही है ना जो जानना चाहता है कि हमारे एनिमेशन किस तरीके से बनाए जाते हैं। हाँ लगता तो वही ही है, चलो आज इसे बता ही देते हैं। तो देखो सबसे पहले डॉग इंट्रो बनाने के लिए क्या करना होता है वो कब पता चलेगा, वो आज पता चलेगा। तो जनरली लोग ना ये सब चीज़ के बारे में बताते नहीं है, पर आज मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ और दिखाने भी वाला हूँ कि अगर आप डॉगेस वगैरह के इंट्रो वगैरह के बारे में जानना चाहते हो, मतलब कि सिंपली डॉगेस के बिहाइंड द सीन्स के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। वो सारा चीज़ मैं आपको इस वाले वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो यार काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर मुझे कॉमेंट किया था, तो इसलिए मैं इस वाले वीडियो को बना रहा हूँ। तो अगर आपका काम का चीज़ है ये तो एंड तक आप लोग देख लेना, और अगर नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो एनीवेज आप ज़्यादा टाइम इसी तरह आपका नहीं करेंगे, तो फिर चलो दोस्तों बिना किसी वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। डॉग इंट्रो बनाने के लिए मुझे कुछ अच्छे जोक्स और कुछ पंच डायलॉग्स वगैरह लिखना होता है ताकि देखने में ना थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले डॉग इंट्रो के लिए मतलब कि कुछ पंच डायलॉग्स वगैरह लिखना होता है एक दूसरे को, जो लोग बोल सके, मतलब कि डॉग इस और जो दूसरा वाला कैरेक्टर है वो दूसरा अपने आप में बोल सके। तो कुछ अच्छे जोक्स वगैरह भी आपको लिखना होता है सबसे पहले तो, और उसके तो इसके लिए मैं सबसे पहले निकालता हूँ अपना नोट पैड और उस पर लिखता हूँ एक सैम्पल स्क्रिप्ट। और सैम्पल स्क्रिप्ट लिखने के बाद सबसे बड़ी चीज़ आता है और वो ये है कि इसका ऑडियो पार्ट। जैसे कि आपको पता होगा कि इसका जो ऑडियो है उसमें मैं मतलब कि इसका जो ऑडियो पार्ट है उसमें मैं खुद वॉइस ओवर नहीं करता हूं, तो एक कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस इसमें होता है, यूज होता है। तो उसके लिए मैं यूज करता हूं नैरोटोस वॉइस करके एक जो ऐप है एंड्रॉइड के अंदर, तो उसी एप्लीकेशन को मैं इधर यूज करता हूं अपना जो वॉइस को बनाने के लिए। तो ये आपको इजीली प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने इधर अपने लैपटॉप पर भी इस ऐप को रखा हुआ है, पर ज्यादा इजी मोबाइल पर ही होता है क्योंकि मोबाइल में हिंदी कीबोर्ड होता है। तो क्या करना होता है, देखो सबसे पहले इस ऐप को ओपन करने के बाद अपना जो कीबोर्ड है उसको आपको हिंदी पे सेट करना होता है, और अगर आप अपने लैपटॉप वगैरह पर कर रहे हो तो हिंदी इनपुट टूल आपको गूगल पर सर्च करना होता है, और वहाँ पर जाके आपको सारे जो हिंदी डायलॉग्स है वो लिखना होता है, ठीक है। और उन डायलॉग्स को आपको हिंदी में लिखने के बाद इधर आपको जो वॉइस वर्जन है वो हिंदी इंडिया पे रखना होता है, और वॉइस इधर नील का रखना होता है। जब हम रिया या फिर डॉगलिना का वॉइस करेंगे तो वहाँ पर इधर आपका एक दूसरा वाला भी वॉइस है जो कि मतलब कि इसका नाम है लेखा, ठीक है। तो उस टाइम हम लेखा सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी हम डॉगेस का ही वॉइस कर रहे हैं, तो इधर मैं जो नील का वॉइस है वो इधर रख दूंगा। और एक सैम्पल ऑडियो मैं आपको सुना के दिखा देता हूँ कि एकदम सेम टू सेम है या नहीं। भाई क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर, लेकिन दूर दूर से। क्यों है ना एकदम सेम टू सेम। अब दोस्तों ऑडियो पार्ट तो सिर्फ नाम को ही बड़ा चीज है, लेकिन सबसे मेन काम तो अभी भी बाकी है, और वो ये है कि इसका वीडियो देना, ठीक है, मतलब कि वीडियो पार्ट। तो इसमें दोस्तों जनरली बताऊं तो काफी ज्यादा ही टाइम लग जाता है। यहां पर मैं फिल्मोरा 10 को यूज करता हूं, पर आप चाहें तो जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम तो जरूर लगेगा ही। तो वीडियो से पहले भी हमको कुछ और एक काम करना होता है, और वो ये है कि टॉकिंग एनिमेशन, मतलब कि डॉगेस के जो मुंह है उसके ऊपर टॉकिंग एनिमेशन लगाना होता है। तो उसके लिए दो रास्ता है, पहला तो यह है फोटोशॉप निकाल के डॉग का जो माउथ पार्ट है उसको एक बढ़िया से एंगल में लगाना, और फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके उसको ऑफ ऑन करके मतलब कि बार बार से टॉकिंग एनिमेशन टाइप का बनाना। और जब ये सारा चीज होता है तो फाइनल में जाके कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। बैकग्राउंड आपको ग्रीन ही सिलेक्ट करके रखना होता है। अब अगर इतना सारा चीज हम करना नहीं चाहते हैं तो दूसरा वे भी है इसके अंदर, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, टॉकिंग एनिमेशन जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो होता है तो उसको भी हम डाउनलोड करके डॉगिस के मुंह पर लगा सकते हैं। लाइक देखो सपोज यहाँ पर मेरे पास एक डॉगेस का एक मतलब कि सैंपल वाला यहाँ पर है, जस्ट एक इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉकिंग एनिमेशन ग्रीन स्क्रीन हमको यहाँ पर लाएंगे, और इसको यहाँ पर थोड़ा ना क्रॉप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जितना पार्ट हमें चाहिए उसको क्रॉप करेंगे, साइज थोड़ा ना यहाँ पर छोटा कर देंगे, ठीक है। साइज छोटा करने के बाद क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करके मुंह के पास लेंगे और ग्रीन स्क्रीन ऑप्शन को ऑन कर देंगे। देखो फाइनली हम पर थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट वगैरह करना पड़ सकता है आपके हिसाब से, और फाइनली कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये तो रहा सिर्फ टॉकिंग चीज़, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं फ़ोन पर बात करता हुआ या फिर और भी कई सारी चीज़ें करता हुआ एनिमेशन भी आपको दिखाता हूँ अपने वीडियोस पर, आपने देखा ही होगा। तो उसके लिए सेम आपको फोटोशॉप एप्लीकेशन को ही यूज़ करना होगा, मतलब कि एक काम करना होगा, सिंपली एक तो डॉग का पिक्चर आपको रखना होगा, फिर दूसरे डॉग का जो पिक्चर है उसको भी आपको इम्पोर्ट करना होगा, और वहाँ का जो हाथ है उसको काट के इस पर लगाना होगा, तो और फोन को भी चिपकाना होगा अगर आप ये सब चीज़ करना चाहते हो तो। इधर बेसिकली आपके रिक्वायरमेंट्स के वाइज आपको क्रिएटिविटी दिखाना होगा। तो
ये सब चीज़ तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। अगर मैं आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करने में जाऊँ भी तो थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी तो आपको इधर देखा नहीं होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट सबके अलग अलग होते हैं। अब ये सब चीज़ होने के बाद भी काम खत्म नहीं होता है। अब डायलॉग्स के वाइस एनिमेशन को भी सेट करना होता है और बैकग्राउंड वगैरह को भी सेट करना होता है। जैसे कि सपोज ये कुछ बोल रहा है, देखो, तो यहाँ पर हम काम करेंगे, सैंपल को हम रखेंगे नीचे, बैकग्राउंड एक यहाँ पर रख देंगे, और इधर अब जब हम तीनों ट्रैक्स को यहाँ पर चलाएंगे एक साथ ग्रीन स्क्रीन वगैरह को ऑन करके, तब जाके डॉग बोलता हुआ हमें नजर आएगा, ठीक है। और डांस के लिए काफ़ी सारे ग्रीन स्क्रीन वीडियोस को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको यूट्यूब पर इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, मैं गूगल ड्राइव पर अपलोड करके दे दूंगा भी। तो वहाँ पर मैं इन सारे जो मतलब कि डांसिंग वाला जो एनिमेशन है उन सबको ट्रैक बाय ट्रैक रखता हूँ। और जब 7-8 लेयर्स बगाना होता है, मतलब कि 7-8 लेयर्स बगाने के बाद आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि यहाँ पर एक बढ़िया वाला डांसिंग एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और डांस के लिए कभी कभी 7-8-10-12 लेयर्स पड़ जाता है, तो ये सब चीज़ तो थोड़ा बहुत होता ही है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि इतना सारा एडिट वगैरह करने के बाद ही जा कर गए एक पूरा 1-2 मिनट का डॉग वीडियो बन पाता है, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते होंगे कि कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है एक सिंपल इंट्रो बनाने के लिए डॉगेस वाला। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए चलो एग्जाम्पल एक मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब कि ये एग्जाम्पल तो आपको दिख ही रहा होगा, मैं थोड़ा सा ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इधर सारा चीज़ ना हुआ क्या है, ठीक है। अब यह एनिमेशन मैंने बनाया था रियल क्रिकेट वाले वीडियो के लिए। तो सबसे पहले तो ये ईयर 2072 वाला एनिमेशन मैंने लगाया हुआ है, जो कि मैंने यूट्यूब से सिंपली डाउनलोड कर दिया है। अब उसके बाद देखो मैंने एक बैकग्राउंड लगाया हुआ है, फिर यहाँ पर बूढ़ा वाला डॉग है इसको लगाया हुआ है। अब देखो ये कोई टॉकिंग एनिमेशन इधर नहीं है, बस एक सिंपल वाला एनिमेशन है। और फिर इसका बैकवर्ड वाला एनिमेशन लगाया है, फिर यहाँ पर डॉगेंद्र आता है। तो वहाँ पर इसके लिए मैंने सिंपल मतलब कि सेपरेट वाला डॉगिंग एनिमेशन बनाया था। अब उसके बाद क्या होता है, देखो डॉगेस भी यहाँ पर बोलने लग जाता है, और फिर यहाँ पर ये 2022 वाला वीडियो प्ले हो जाता है। अब उसके बाद देखो क्या करना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो थोड़ी देर मतलब कि थोड़ी देर देखो यहाँ पर अब देखो उसके बाद क्या करना होता है आपको, फिर से यहाँ पर दो मतलब कि दो सेपरेट कैरेक्टर्स मैंने इधर रखा हुआ है, और जब ये डायलॉग बोल रहा होता है तो दूसरे को चुप रखना होता है, और जब दूसरा कैरेक्टर बोल रहा होता है तो मेन वाला कैरेक्टर को चुप रखना होता है, ठीक है। और कभी कभी अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो डॉगेस का जो बैक वाला जो फ्रंट है, सॉरी बैक वाला फ्रंट क्या बोल रहा हूँ भाई, मतलब कि बैक वाला जो इमेज है उसको भी यहाँ पर चिपकाना होता है, ठीक है, जब कोई वो वीडियो देख रहा होता है या फिर कुछ भी कर रहा होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो मैंने काफ़ी सारा लेयर्स इधर लगाया हुआ है डांसिंग एनिमेशन के लिए। अब इसी तरीके से टोटल 1-2 मिनट का जो इंट्रो एनिमेशन है वो यहां पर इस तरीके से बन पाता है। तो काफी सारे लोग मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि इस वाले इंट्रो एनिमेशन को किस तरीके से बनाया जाता है, वो सारा चीज को बताने के लिए। तो इस वाले वीडियो पर मैंने आपको सारा चीज बता दिया कि किस तरीके से वो चीज होता है। और यहां पर देखो हमारे विधायक जी भी आ गए, तो जो भी हो, तो अब इसी तरीके से अगर आप भी चाहें तो डॉग इंट्रो को बना सकते हो, पर काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर लोगों को पसंद आता है आपका ये वाला एनिमेशन तभी जाके इसको कंटिन्यू करें। तो मेरे केस में आप लोगों को ये जो एनिमेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, डॉगेस और जोगेंद्र वो जितना भी सारा कैरेक्टर्स है, तो आप अपने वीडियोस पर भी इसको ट्राई करके देख सकते हो। और अगर लोगों को पसंद आए तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। पर हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि आपका मिनिमम 2-3 घंटा तो इसमें लगना ही वाला है। और अगर आप और भी ज़्यादा हाई मतलब कि थोड़ा हाई चीज़ों में जाओगे तो आपको 3-4 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। तो मैं अपना बताऊँ तो 3-4 घंटा तो लग ही जाता है। तो ये सब चीज़ तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया। अब चलो चलते हैं शॉर्टआउट्स के और, क्योंकि वीडियो के अंदर और कुछ बताने के लिए नहीं है। तो चलो शॉर्टआउट्स के और चलते हैं, और उसके बाद ही जाके हम इस वाले वीडियो को एंड कर देंगे। दोस्तों इतने सारे कमेंट्स वगैरह करने के लिए आपका दिल से बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, ठीक है। अब चलो इसके बाद में क्या बोलना था यार, अब चलो इस वाले वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वाले कमाल के वीडियो पर। और हाँ यार, सेकंड चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वाले कमाल के वीडियो पर, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।